हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी गुड़ और आटे के लड्डू बनाना। आप इनको सर्दियों के मौसम में बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये गुड़ और आटे के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई रख देंगे, उसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है और मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू लिए हैं 20 से 25, थोड़ा सा ड्राई कोकोनट लिया है 50 ग्राम, कुछ आलमंड्स लिए हैं 20-25 और 5-6 छुआरे लिए थे। तो इनको हम क्या करेंगे, जो घी डाला है कढ़ाई में इसमें हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने काजू डाले हैं और इनको हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन से ही कुछ हो जाएंगे। तो बस तब तक हम इनको ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो काजू हमारे फ्राई हो गए तो इनको हम वापस से उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने बादाम डाली है, बादाम को भी हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो काजू और बादाम एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। नारियल डाल दिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। नारियल भी हमारा फ्राई हो गया, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। और अब हमने छुआरे डाल दिए हैं, छुआरे भी फ्राई कर लेंगे। वापस से हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर 3 कप मखाने लिए हैं, ये कप से मैंने मेजरमेंट कर लिया था, तो ये 3 कप मखाने हैं। अब इसमें हम मखाने फ्राई कर लेंगे। आप अपने अनुसार और भी मेवा इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि किशमिश है, गोंद है, ये सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। हाथों से तोड़ेंगे तो ये एकदम से बिल्कुल टूट जाएगा, काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी जैसा हो जाता है। तब तक हम बस, मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है 2 कप, ये 2 कप गेहूं का आटा है। तो आटे को हम भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा। तब तक हम इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। चलाते रहेंगे, चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो आटा हमारा भून चुका है, इसको मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया था। उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 कप गुड़ लिया है, तो गुड़ को अब हम मेल्ट करेंगे, चाशनी तैयार करेंगे गुड़ की हम। और इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे, यहाँ पर 1/4 कप पानी डाल दिया है। गुड़ को हम ऐसे चलाते हुए इसकी चाशनी बना लेंगे गुड़ की। जो मखाने हमने भुने थे उनको मैंने क्रश कर लिया है एक कपड़े पर रखकर, और मैंने बेलन से इसको ऐसे कूट दिया था तो ये क्रश हो गए थे मखाने। और जो मैंने मेवा भी भून कर रखी थी वो सारी मेवा इस आटे में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इन सारी मेवाओं को मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही टुकड़ों में ही रहने दिया है, मैंने पीसा नहीं है, क्योंकि जो लड्डुओं में इनका क्रंची सा टेस्ट आता है वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपको ना पसंद हो तो आप इनको मिक्सी में पीस लें, मेवाओं को मिक्स कर देंगे सारी मेवा आटा में। तो गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, बस इसको मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है और एक खोल आनी है इसमें। बस गुड़ हमारा तैयार है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम गुड़ को आटे में डालेंगे। जो गुड़ हमारा मेल्ट है और जो आटा हमने तैयार किया था मेवा मिला के, उसमें हम ये गुड़ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड़ को हमें ठंडा भी नहीं होने देना है, बिल्कुल गरम गरम ही मिलाना है, क्योंकि अगर हम गुड़ को ठंडा कर देंगे तो जो हमारे लड्डू हैं वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, गरम में ही ये लड्डू बनाने होते हैं। ऐसे हम दबा के एक साइड बिल्कुल रख देंगे, जिससे कि जो आटा ये हमारा ठंडा ना हो। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये हल्का ही गरम रह जाता है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं रहता है, तो आप इसके लड्डू आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों में लेंगे और दबाते हुए हम इसका गोल शेप में लड्डू बना देंगे। ये लड्डू मैंने बना लिया है, आप अपने हिसाब से छोटे या फिर बड़े लड्डू बना सकते हैं। इसी तरीके से दबाते हुए हम लड्डू तैयार कर लेंगे। और इसी सेम प्रोसेस से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। मैंने अपने लड्डू बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।